अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने जो कहानी पढ़ी थी, हम उसी का आज नक्शा कहानी तैयार करने वाले हैं। नक्शा कहानी में उन्वान है, किरदार, मकाम, मसला, हल और सबक। प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को याद है आज जो हमने कहानी पढ़ी थी उसका उन्वान क्या था? उसका उन्वान है बिल्ली का जख्मी बच्चा। उन्वान उन्वान बिल्ली का जख्मी बच्चा। प्यारे बच्चों, इसमें किरदार कौन कौन से थे, क्या याद है आप लोगों को? चले आए देखते हैं। किरदार कमाल, अम्मी, बिल्ली का बच्चा। प्यारे बच्चों, इस कहानी का मकाम कौन सा था? ये कहानी किस जगह पर हुई थी, याद है आप लोगों को? मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। ये कहानी पार्क में हुई थी। मकाम पार्क। प्यारे बच्चों, इस कहानी में मसला क्या था, क्या याद है आप लोगों को मसला? चले आए देखते हैं। मसला बिल्ली का बच्चा जख्मी था। तो ये मसला था, बिल्ली का बच्चा जख्मी था। और इस मसले का हल क्या निकला था? इसका हल है कमाल ने बिल्ली के बच्चे की मदद की। बच्चों, आपको याद है ना, इस कहानी में बिल्ली का बच्चा बहुत जख्मी था और फिर कमाल ने उसकी मदद की थी और उसकी साफ सुथराई भी की थी उसकी अम्मी ने। दोनों ने मिलके जख्मी बच्चे की मदद की थी। तो इसका हल है कमाल ने बिल्ली के बच्चे की मदद की। तो बच्चों, इस कहानी से आपको सबक क्या मिलता है? हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें जानवरों के साथ रहमदिली का मुजाहिरा करना चाहिए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज आपको बहुत मजा आया होगा। अगली बार एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।